हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमारे इस वीडियो में फ्रेंड ऑफ हेल्थ पार्ट वन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहले वीडियो लेसर राइटिंग्स का मतलब, इसका मीनिंग को हमें जान लिया। इस वीडियो में फ्रेंड ऑफ हेल्थ पार्ट वन को डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो है ना लेसर राइटिंग्स ऑफ हैंडमैन, इसका मीनिंग और उसका कंटेंट्स क्लियर से बताया गया हूँ मैंने पहले वीडियो में। पहले उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को ये फ्रेंड ऑफ हेल्थ वीडियो को देखने देखना पड़ता है आप लोग, ठीक है। दोस्तों, फ्रेंड ऑफ हेल्थ एक टॉपिक है, लेसर राइटिंग्स ऑफ एनिमल लिटरेचर जो है इसमें फ्रेंड ऑफ हेल्थ एक टॉपिक है, इसका कंटेंट है, ठीक है। फ्रेंड ऑफ हेल्थ है ये दो पार्ट से डॉक्टर डर्जन ने कंपाइल करके लेसर राइटिंग्स ऑफ हैंडमैन में दिया गया था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ हेल्थ पार्ट वन इसके हमारे वीडियो हमें शुरू कर लेंगे। दोस्तों, पहले हमें फ्रेंड ऑफ हेल्थ का वर्ड है ना, इसका मीनिंग को जानने की कोशिश कर लेंगे। फ्रेंड ऑफ हेल्थ माने जो है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ को साफ में रखने के लिए कुछ चीज़, कुछ फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप SPM में पढ़े होते हैं ना, वेब ऑफ कॉजेशंस फॉर द डिसीजेस, ओके। वैसे ही हेल्थ को, हमारे हेल्थ को साफ करने के लिए, ठीक से रखने के लिए कुछ फैक्टर्स हो जाता है, कुछ फैक्टर्स रहते हैं। वो है साफ, फॉर एग्जांपल साफ ही हवा, पानी, अच्छे से खाना, मेंटल हेल्थ, ये सभी हमारे हेल्थ को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं। वो सभी को हैनिमन ने फ्रेंड्स फ्रेंड्स माने जाते हैं, फ्रेंड ऑफ हेल्थ। प्रीफेस में हमारे कंपाइलर है ना डॉक्टर आर्य डर्जन ने, टू प्रेज आवर डॉक्टर हैनिमन, हैनिमन को प्रेज करने के लिए वो कहते हैं हैनिमन इट्सेल्फ, हैनिमन ही फ्रेंड ऑफ हेल्थ माने जाते हैं, ठीक है। पहले वीडियो लेसर राइटिंग्स ऑफ हैनिमन है ना, उसका मतलब भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहले उस वीडियो को देख लेना आप सभी, ठीक है। लेसर माने इम्पोर्टेंट और फ्यू, फ्यू माने जाते हैं, फ्यू, लेसर माने फ्यू और इम्पोर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड ऑफ हेल्थ एक एक टॉपिक है लेसर राइटिंग्स ऑफ हैनिमन में, लिटरेचर में, ठीक है। लेसर फिर भी फ्रेंड ऑफ हेल्थ है, दो पार्ट्स में लिखा गया था हैनिमन ने, दो पार्ट्स। पहले इस वीडियो में हमें पार्ट वन के बारे में जान लेते हैं। पहले पार्ट वन के कंटेंट्स है जो है वो हमें इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहले कोई भी लिटरेचर है, हमें प्रीफेस को देखते हैं, प्रीफेस, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इन एपिडेमिक डिसीजेस, ये टॉपिक है। कोई भी होम्योपैथ ये मस्ट एंड शुड पढ़ लेना, एपिडेमिक डिसीजेस के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेसर राइटिंग्स ऑफ हैनिमन में, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इन एपिडेमिक डिसीजेस, थिंग्स दैट स्पॉइल द एयर, कैनाइन रैबिस, ठीक है। हैनिमन टाइम के, जो हैनिमन टाइम है उस टाइम में रैबिस का क्योर नहीं था, ठीक है। देर इज गुड इवन इन हार्टफुल थिंग्स, ये तो थोड़ा फिलोसॉफिकल, ये तो फिलोसॉफिकल टॉपिक है। देर इज गुड इवन इन हार्टफुल थिंग्स, ओकेशनल पॉजिटिव विच इज ऑफ नो हार्म, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को या इस स्लाइड में बताया गया, ठीक है, फ्रेंड ऑफ हेल्थ में, स्पेशली पार्ट वन में, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस इन्फेक्शन इन एपिडेमिक डिसीजेस, ये तो ज़रूर पढ़ लेना आप। इसके बाद, इसके साथ थिंग्स दैट स्पॉइल द एयर, ये टॉपिक, ये सब टॉपिक को भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इन एपिडेमिक डिसीजेस, इसका सब टॉपिक का समरी है ये है, ताकि एपिडेमिक डिसीजेस जो है इसको इन्फेक्शन से कैसे बचा लेना, कैसे प्रोटेक्ट कर लेना, ये है हैनिमन का इंटेंशन, ठीक
ठीक है, कोई भी लिटरेचर है, कोई भी लेक्चर है हमारे चैनल में, मैंने डायरेक्ट लिटरेचर के सेंटेंस, सीधा सेंटेंस को भी सेंटेंस को ही आपके लिए कोड करके स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से तरह। आप देख सकते हैं पहले वीडियोस को भी थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस दो दो पार्ट्स के तरीके से हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारे वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट एयर ऑफ अवर एटमोसफेयर कंटेंस टू थर्ड्स ऑफ गैस दैट इज इमीडिएटली फैटल टू मैन एंड बीस्ट एंड एक्सटिंग्विशेस फ्लेम मिक्सड अप अलॉन्ग विद इट रेगुलर करेक्टिव इट कंटेन्स अबाउट 1/3 ऑफ वाइटल एयर वेयर बाई इज पॉइजनस प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड एंड इन दैट स्टेट ओनली डज इट कॉन्स्टिट्यूट एटमोस्फेरिक एयर वेयर इन ऑल क्रिएचर्स कैन लिव ग्रो एंड डेवलप देमसेल्व्स। यू कैन अंडरलाइन दीज सेंटेंसेस दोस्तों। जो कोई भी प्राणी है ओके, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ कैसे होते हैं, ये एटमॉस्फेयर के हवा से, पानी से, जो सनलाइट, कोई भी ये नेचुरल सोर्सेस है, इससे हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाते हैं। ये हवा है जो इसके 1/3 एंड 2/3 ऑफ गैसेस है, इसमें वाइटल भी है, इसमें फैटल भी है। ठीक है, सो हैनमैन का इंटेंशन ये है ताकि इट इज़ द एयर इज़ द ओनली थिंग विच हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज इन द फैटल लाइक इन स्प्रेडिंग द इन्फेक्शंस ऑफ एपिडेमिक डिसीजेस। ठीक है, क्लोज चैम्बर्स हैव द फैटल एक्सहेलेशंस एंड वेपर्स इन मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म एंड देन बिकम इंजूरियस डेंजरस फैटल एट द कंसिडरेबल डिसीजेस फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, हैनमैन ने ये कहा था कि क्लोज चैम्बर्स जो है, क्लोज रूम्स और क्लोज चैम्बर्स, ये है फैटल मीन्स माने जो अच्छे से नहीं, फैटल माने ये प्राणांतक है। ठीक है, ये है एक क्लोज्ड चैम्बर्स डिसीजेस को स्प्रेड करने के लिए, ज़्यादा से स्प्रेड करने के लिए, जल्दी से स्प्रेड करने के लिए ये क्लोज्ड चैम्बर्स बहुत ही फैटल माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नाउ एज वी नो नो स्पेसिफिक एंटीडोट्स फॉर सेवरल काइंड्स ऑफ कंटेजियस मैटर्स वी मस्ट कंटेन आवरसेल्फ विथ जनरल प्रोफ्लैक्टिक मीन्स। प्रोफ्लैक्टिक माने इसके बारे में एक वीडियो भी हमारे चैनल में अपलोड किया गया था, वो भी आप देख सकते हैं प्रोफ्लैक्टिक प्रोफ्लैक्सिस माने क्या था। ठीक है, सो हैनमैन का इंटेंशन ये है ताकि इससे बचाने के लिए, ये कंटेजियस मैटर्स, कंटेजियस इन्फेक्शंस को बचाने के लिए हमें पहले प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। ठीक है, प्रिकॉशंस टू द फिजिशियंस, पहले फिजिशियंस डॉक्टर्स कैसा प्रिकॉशंस लेना। ठीक है, सिक रूम शुड बी थरोली एयर्ड। ठीक है, वी शुड विजिट व्हेन विजिट द पेशेंट विजिटिंग द पेशेंट एंडेवर टू मेंटेन अवर माइंड एंड द बॉडी इन अ गुड इक्विलिब्रियम वी मस्ट नॉट परमिट आवरसेल्व्स टू बी एक्टेड ऑन डिलिबरेट emotions in anger, grief as also over exertion of the mind and of all sorts are great promoters of infection. ठीक है, आपको पता गया क्या ये sentence क्या मतलब। ठीक है, doctors जो है हमारे mind, ठीक है, हमारे mind को equilibrium में रहना पड़ता। okay, all sorts of great infections will enter, okay, through our imbalanced emotions, anger, grief and all. ठीक है, वी शुड बी इन अ स्टेबल माइंड एंड अवर माइंड एंड बॉडी शुड बी इन अ इक्विलिब्रियम। वी शुड नॉट फॉरगेट टू टेक फूड एंड ड्रिंक इन अ यूजुअल मैनर वन शुड नॉट विजिट द पेशेंट व्हेन वन स्टमक इज एम्प्टी। ठीक है दोस्तों, ऑल ओवर फैटिक ऑफ द बॉडी चिल्स एंड नाइट वॉचिंग शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स फिजिशियंस मस्ट बी, ठीक है, फिजिशियंस मस्ट बी हेल्दी। If any medical man is experiencing any signs of symptoms of any disease, he or she should immediately leave off visiting the patient. ठीक है, If he has any errors of his diet and regimen, in such cases take cinchona every thrice in an hour until the epidemic fever or any disease might be completely over. ठीक है दोस्तों, पहले फिजिशियंस अच्छे से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छे से रख लेना ज़रूरी है। इसके अलावा इफ़ एनी डॉक्टर्स, एनी ऑफ द फिजिशियन गेट्स द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शंस, दे शुड लीव, दे शुड नॉट विजिट एनी ऑफ द पेशेंट। ठीक है,
ठीक है, इफ एट ऑल, ठीक है, इफ एट ऑल दे आर गेटिंग एनी सिम्टम्स, सिंकोना एवरी थ्राइस एन आवर लेना पड़ता है. थिंग्स दैट स्पॉइल द एयर. दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर के जो हवा है जिसको स्पॉइल करने कौन सी चीज़ स्पॉइल करते हैं उसको भी हमें जान लेना ज़रूरी है. ठीक है, हैनमैन ने बहुत ही नंबर ऑफ पेजेस में दिया गया था थिंग्स दैट स्पॉइल द एयर, कौन सी चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर के हवा को स्पॉइल करते हैं. ठीक है, अवॉइड अनक्लीनलीनेस अराउंड अस, डाइट एंड हाइजीन और इनएविटेबल रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड फॉर वेल बीइंग, फैटल वेपर्स, एक्सलेशंस, अनहाइजीन एंड अनक्लीनलीनेस सराउंडिंग द प्लेस वेयर पीपल विल डेफिनेटली स्पॉइल द एयर. ठीक है, ये तो सबको मालूम है. ओके, क्राउडी प्लेसेस जो है वहाँ एटमोसफेयर के एयर को स्पॉइल करते हैं. डाइट एंड हाइजीन भी इम्पोर्टेंट. ठीक है, अवॉइड अनक्लीनलीनेस अराउंड अस. ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये तो आपके वाइवा के लिए, कोई भी एग्ज़ाम पर्पस के लिए, थियरी एग्ज़ाम्स के लिए को भी ये ज़रूरी आप पढ़ लेना, जान लेने की कोशिश ज़रूरी है. ठीक है दोस्तों, लेसर रेटिंग्स ऑफ हैनमैन, इसके लिटरेचर में फ्रेंड ऑफ हेल्थ जो है पार्ट वन को हमें एक्सप्लेन कर दिया. पार्ट वन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एपिडेमिक डिसीजेस, प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक डिसीजेस एंड थिंग्स दैट स्पॉइल द एयर. ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो इंग्लिश में भी हमें एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया. आप दोनों भी लैंग्वेजेस से आप देख सकते हैं, और कोई भी वाइवा एग्ज़ाम है, इसमें थियरी एग्ज़ाम है, आप ये सभी पॉइंट्स को भी जोड़ करके अच्छे से एग्ज़ाम लिखने को कोशिश कर दिया. ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हमें फ्रेंड ऑफ हेल्थ पार्ट टू के बारे में एक्सप्लेन करते. ठीक है, बाय बाय.